अप्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। इस बीच यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जब इंटरनेशनल डेलीगेट्स इंदौर में रहे तो शहर की नकारात्मक छवि नहीं बने। इसके लिए अभियान चलाकर चौराहों पर भिक्षावृत्ति करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। बच्चों को भी भिक्षावृत्ति में धकेल दिया गया है। सख्ती करने पर भिक्षावृत्ति करने वाली महिलाएं रोने लगी और छोड़ने की गुहार लगाई। वहीं संस्था प्रवेश द्वारा लैटर्न चौराहे पर भिक्षावृत्ति करने वाली कुछ महिलाओं और उनके साथ मौजूद बच्चों को चिन्हित किया गया तो मौके पर भीड़ लग गई। पहले तो उन्हें समझाइश दी गई लेकिन बाद में पुनर्वास करने के लिए कहा गया तो महिलाएं रोने लगी। उनके साथ जो बच्चे थे वो भी रोने लगे। महिलाओं का कहना था कि हम अपने घर चले जाएंगे, हमें छोड़ दीजिए। भिक्षावृत्ति में शामिल महिलाएं रेलवे स्टेशन छुड़वाने की गुहार लगाती नजर आई। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, इसी अभियान के अंतर्गत आज हमने चौराहों पर कार्यवाही की है। कई बार शिकायतें आती रही कि चौराहों पर ये कार के कांच खटखटाते हैं और भिक्षावृत्ति करते हैं। इसको रोकने के लिए आज हमने सुबह से लेकर अभी तक 9 चौराहों को क्लीन कर दिया है। जनरली ये लोग सब बाहर से आए हुए हैं, झालावाड़, भिलवाड़ा, धार, बाग, टांडा, यहाँ के लोग हैं और यहाँ भिक्षावृत्ति करते हैं, सड़कों पर ही सोते हैं, जिससे कई अपराधों का जन्म हो रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने इस भिक्षावृत्ति में धकेल रखा है, जिस पे हम लोग शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, इन्हें समझाइश दे रहे हैं कि आप या तो अपने गांव, अपने शहर चले जाओ और वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाओ। अगर जो लोग यहां कर हैं, यहां के हैं, तो उन लोगों को हम लोग शिक्षा में डाल रहे हैं, उनका पुनर्वास कर रहे हैं।